नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय, आप देख रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजन किया, जिसके साथ ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी कड़ी में जनपद आजमगढ़ में मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंदिर निर्माण में कार्य में समर्थन करने की घोषणा की है। मिशन मोदी अगेन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव ने कहा कि वह अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अयोध्या राम मंदिर जाकर श्रमदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा सैकड़ों वर्षों से लंबित पड़ा हुआ राम मंदिर का भव्य निर्माण का शुभारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काकाजी एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय गोस्वामी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रामचंद्र गिरी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता श्रमदान करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सतीश चंद्र श्रीवास्तव, मिशन मोदी अगेन पीएम, जिला अध्यक्ष जनपद आजमगढ़ से। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जो है देश उन पर आस लगाए बैठा हुआ है, जिसको वो पूरा करने के लिए कल जो है उन्होंने शिलान्यास का मुहूर्त रखा है, जिसमें सारे पदाधिकारी हमारे जनपद आजमगढ़ से हमारे नेतृत्व में और तरह तरह के पदाधिकारी और जिलों से जा रहे हैं, जिसमें कि आजमगढ़ से 50 कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे, जिसमें विशिष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका जी और महंत रामचंद गिरी जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और हम सभी लोग वहां जाकर अपना श्रमदान करेंगे और लोगों को यह जागरूक करेंगे कि हमारी जो अहम शक्ति है रामचंद्र जी के ही तरह से है, हम उन पर विशेष योगदान देना चाहते हैं। इसी संकल्प में आज ये प्रेसवार्ता कर रहे हैं। कोरोना काल है जी, और इस समय पूरा विश्व पूरा देश परेशान है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है जी, और इसी दौरान मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ जमा होगी जी, हजारों लाखों लोग पहुंचेंगे, मना करने के बाद भी पहुंचेंगे जी, इस पर कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? इस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष उन्होंने एक योजना तैयार किया हुआ है कि कहीं किसी को दिक्कत ना हो और समाज में कहीं कोरोना से कोई संक्रमित ना हो, इसके लिए विशेष टीम एक तैयार की गई है, जिसके तहत उसका संचालन होगा और हम सभी लोग उसी के तहत भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग जो है 50 की संख्या में कार्यकर्ता लोग जाएंगे